ओके, तो बात करते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 9 है, इसको मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इसमें चीज़ें पहले से लिखी हुई होंगी, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, पहली बार मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो बात करते हैं आइगन वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज सिंपली इतना सा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, वो इक्वेशन है ये, ओके, ए माइनस लेमडा आई, और उसके जो रूट्स होंगे, ठीक है, उन रूट्स को हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे, सिंपल सा। ठीक है, आइगन वैल्यूज किनको बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स को आइगन वैल्यूज बोलेंगे। अब बात आती है जो पहली बार देखा है कि आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है, तो फिर वो इससे भी फेमिलियर नहीं है, ए माइनस लेमडा, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ए हमें गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, लेमडा हमारा फैक्टर है, ये आइगन वैल्यूज है, और आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको भी नीचे हम देखेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक, तो इनको जो आइगन वैल्यूज होती हैं या जो रूट्स होते हैं, तो इनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट्स भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट्स। द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो वो हमने देख लिया, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई। तो अब सबसे मेन बात पे आते हैं कि समझें कैसे इसको। ये तो डेफिनेट डेफिनेशन वाली बात होगी, थ्योरेटिकल बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ए मैट्रिक्स है, 1 1 -2 4, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब हमें ए माइनस लेमडा आई को लिखने के लिए सिंपली करना है कि ए में से हमको लेमडा इंटू आई को माइनस कर देना। आई हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स में ही प्रेजेंट होते हैं हमारे वैल्यूज, ठीक है, 1 1, बाकी ऑल 0। तो हमको सिंपल क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको डायगनल एलिमेंट से ही माइनस कर देना है, जैसे यहाँ पे किया है, ओके, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में से हमको लैम्डा टाइम्स आई हमने कर दिया, तो जहां पे 1 होगा वहीं पे लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको शॉर्टकट में क्या करना है, आपको मेन डायगनल में से, जो आपकी मेन एलिमेंटल मैट्रिक्स है, जैसे कि ए, उसके डायगनल एलिमेंट है ये एंड ये, इससे इसमें से आपको लैम्डा माइनस कर देना है, ठीक है, सिंपल। आपको इतना सा काम करना है, इतना काम आपने किया, आपने लैम्डा को माइनस कर दिया। तो उसके बाद आपके पास क्या इक्वेशन आई, ठीक है, 1 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा इंटू माइनस ऑफ -2 इंटू 1, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आई है, वो आई है ये, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, और ये इस मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई एकदम डिटेल में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ कि आप मतलब कोचिंग का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मेन इतना मतलब है कि मुझे आपको समझाने हैं टॉपिक्स एकदम इजी से इजी में, ताकि आप क्वेश्चंस लगा सकें, ठीक है, इतना सा है। या फिर रिवीजन के लिए ये टॉपिक्स काफ़ी बेनिफिशियल है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, आपने बुक से पढ़ा है, 6 महीना भी दिया पढ़े हुए, अब आपको क्या, अब मतलब आपको रिवाइज करना है, आपको नहीं समझ आ रहा, बुक में आप उतना टाइम नहीं देना चाहते, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये है एकदम सिंपल से। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें लिख के बताऊंगा, एकदम सिंपल से, और मेन मेन चीज़ें ही बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें अभी इजी लग रही है, कुछ टॉपिक्स इजी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड वाले टॉपिक्स हैं वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई 1 एंड ओनली अभी तक की, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 = 0। तो इसको सॉल्व करके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आई λ = 2.3। तो रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आर आइगन वैल्यूज, ठीक है, फिर से रिपीट, ये पूरा सर्किल बन गया कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो ही हमारे आइगन वैल्यूज है, और वो आइगन वैल्यूज है हमारे ये λ = 2 एंड 3, ओके। तो
तो आपने ये समझ लिया यहाँ पे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने फ्रेम करी, कैसे फ्रेम करी, ए गिवन मैट्रिक्स में से लैम्डा आई को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। लैम्डा क्या है, एक फैक्टर है, और आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब गिवन मैट्रिक्स के क्या बोला था मैंने, जो मेन डायगनल एलिमेंट है ओनली उसमें से हमको लैम्डा को माइनस करना है बस। अगर ये 3×3 की होती, ठीक है, तो 1 λ, 2 λ, 3 λ, बाकी एज इट इज रहता है, ठीक है। तो रूट्स, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स आए उनको हमने आइगन वैल्यूज बोला, वो हमारे आए 2 और 3, इनको हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक्स तीन चीज़ पे बात कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड केली हैमिल्टन थ्योरम। तो जब हम इनको समझ लेंगे तो क्वेश्चंस पाएंगे, ठीक है। अब इसी को हम बात कर लेते हैं 3×3 की मैट्रिक्स में, ओके। ए माइनस लैम्डा आई सपोज एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ए इज 1 2 3 0 4 6 8 9 0, कुछ भी। तो मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट, सीधे डायगनल एलिमेंट्स में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। डायगनल एलिमेंट में हमने लैम्डा को माइनस कर दिया, ये तो मैंने लिख के दिखाया भी है, लैम्डा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बाकी आपने डायरेक्टली माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी इक्वेशन आएगी एक लैम्डा क्यूब के फॉर्म में, लैम्डा क्यूब समथिंग करके, ठीक है। उसके तीन वैल्यूज होंगे, ये सिर्फ मैंने सॉल्यूशन दिया है, उनके तीन वैल्यूज होंगे, x1 x2 x3, समथिंग कुछ भी। तो ये एक डेफिनेशन है कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये निकाली थी, इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, x1 x2 x3, a1 a2, जो आपको बोलना बोलिए, a1 a2 a3, तो उन्हीं को हम आइगन वैल्यूज बोलेंगे। तो आइगन वैल्यूज आज के बाद नहीं बोलेंगे, a माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, इसके जो रूट्स हैं वो आइगन वैल्यूज हैं। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, फिर देखेंगे केली हैमिल्टन थ्योरम, फिर समराइज करेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर, अ नॉन जीरो वेक्टर x इज सेड टू बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसको समझते हैं, आइगन वेक्टर क्या है, एक नॉन जीरो वेक्टर है x, कोई भी एक वेक्टर है x, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई हमने देखा था करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, उसको हमने कभी मतलब कंपेयर नहीं किया था, ठीक है, कंपेयर नहीं किया था, इक्वल टू जीरो नहीं रखा था, ओके। तो आइगन वेक्टर एक्स एक नॉन जीरो वेक्टर है, इट्स सेड टू बी आइगन वेक्टर, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, स्पिन ज्यादा जाते हैं, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स की एक करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है हमारी लैम्डा, मान लीजिए 2 है, तो उस 2 लैम्डा वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस पर गौर करना है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 क्या है, हमारी नल मैट्रिक्स है, ये क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हमने पीछे क्या किया था, ऊपर लिखता हूँ, ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व किया था, ठीक है, 0 के इक्वल रखे, यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स है, ये सिर्फ 0 है, वहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यूज को निकाला था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू वो हम प्रूफ करके ला रहे हैं, तो किसी भी एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर होगा जो कि नॉन जीरो वेक्टर होता है, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स को और मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं डेफिनेशन के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स इज सेड टू बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये मेन लाइन है, करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू एन आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स ए की किसी आइगन वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्ड में एक आइगन वेक्टर होगा जो कि नॉन जीरो होगा, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब दो पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, पॉइंट्स बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, फॉर वन आइगन वैल्यू एग्जाम्पल 2 3, ये एक वैल्यू है, ठीक है, वन मतलब एक बार में एक ही को मारेंगे, ओके, 2 या 3, किसी भी एक आइगन वैल्यू के लिए इनफिनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, तो ए माइनस लैम्डा आई का सॉल्यूशन में 2 3 4 कुछ भी आया, हमने एक ले लिया, तो इस 2 के लिए इन्फिनाइट आइगन वेक्टर हो सकते हैं, इस 3 के लिए इन्फिनाइट आइगन वेक्टर हो सकते हैं, एंड इस 4 के लिए भी इन्फिनाइट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं,
ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेमडा, ठीक है, इसको हम जी एम भी बोलते हैं। तो इसको समझते हैं क्या है जी एम ऑफ लेमडा। असल में है कुछ नहीं, नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स हैं। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, मान लीजिए ये आइगन वैक्टर है और ये आइगन वैक्टर है। ठीक है, ये दो आइगन वैक्टर है एक्स वन एक्स टू। तो ये जो इसकी रो है ये उस पर डिपेंड नहीं कर रही है क्योंकि ये डिफरेंट है, इनका रेशियो नहीं है, डिफरेंट रेशियो भी डिफरेंट है। ठीक है, रेशियो इनका इंटीजर नहीं है। ठीक है, आप और अगर इसको देखेंगे, अगर आप वन टू टू फोर, तो ये आपका रेशियो एक, ये इंटीजर वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये एक जीरो बन जाएगा। ठीक है, इसका आप निकाल के भी देख सकते हैं, फोर माइनस टू प्लस टू फोर जीरो। ठीक है, अब इससे बात क्या बनी, ये जीरो बन जाएगा और हमने तो कहा था कि नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा, नॉन जीरो होगा, आइगन वेक्टर नॉन जीरो होगा। तो वहां पे लीनियर डिपेंडेंट तो आइगन वेक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा पर वो हमारे काम का नहीं होगा। ठीक है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट जितने भी आइगन वेक्टर होंगे उसका जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं जीएम। अब इसको फॉर्मूले से भी निकालते हैं या फिर एक बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आइगन वैल्यू है टू, आइगन वैल्यू, उसके लिए हमने कहा इनफिनाइट आइगन वेक्टर्स हैं। सपोज हम बात करते हैं कि 100 आइगन वेक्टर्स, मान लो उसमें से 50 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, 50 लीनियरली, ये सब अजम्पशंस हैं। ठीक है, एग्जांपल है, अजम्पशन है, 50 लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। तो हमको क्या देखना है, नंबर, ये नंबर। मैं बस ये इसकी डेफिनेशन को आसान करने के लिए बता रहा हूँ, ये जो जी एम है ये नंबर है, ये 50 जो है ना, इसका जी एम कितना होगा इस वैल्यू के लिए, 2 के लिए इसका जी एम होगा 50। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये समझ में आई। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं जी एम का। ठीक है, जी एम का सिंपल फॉर्मूला होता है एन माइनस आर। एन क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा, इस जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इसको सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनेगी फाइनल। ठीक है, उसकी जो रैंक होगी वो हमारा आर है। एन क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, 3, मान लो रैंक आई 2, तो सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जी एम समझना जरूरी था और बाद में ए एम भी आएगा उसको भी समझेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, केली हैमिल्टन थ्योरम। तो केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, एकदम सिंपल सी भाषा में, every square matrix of order n greater than 1 satisfies its own characteristic equation। हर एक square matrix जिसका order 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 1 तो क्या होता है, एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ठीक है, 4 क्रॉस 4, ऐसे जितने भी। तो इसको हम साइड में रखते हैं एक मिनट के लिए। every square matrix सेटिस्फाइज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे काम की बात थी कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी खुद की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बस हमको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ली जो हमने शायद ऊपर भी ली थी, 1 - 2 - 1 - 4, तो उसकी हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस प्लस 6। ठीक है, प्लस 6। तो अगर हम लैम्डा को ए रख दें, ठीक है, लैम्डा की जगह हम ए रख दें, मतलब ए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका इसका इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या है, मतलब वेरिएबल क्या है, वो है लैम्डा। ठीक है, जो वेरी कर रहा है, तो हम लैम्डा की जगह अगर ए को रख दें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे भी जीरो आ रहा है तो यहाँ पे भी जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, तो जीरो आएगा या नल मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि ए अपनी खुद की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लैम्डा की जगह जो वैल्यू है लैम्डा की उसको भरपूर भरपाई कर रहा है उसकी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स इजक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मेनली क्या है कि जिसने थोड़ा सा कहीं से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है,
थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया, 2000 क्वेश्चन लगाए, कॉलेज में पढ़ा है, बस इतना ही चाहिए। तो ये एक तरीके से रिवीजन कोर्स ज़्यादा है फर्स्ट टाइम की बजाय। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेन मेन चीज़ें देखो थोड़ी होती हैं, ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के लिए मिलते हैं थोड़ा, बाकी क्वेश्चन उनके बहुत सारे बनते हैं, तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, बेसिक इतना पढ़ के, लेकिन इतना पढ़ने तो काफ़ी सही है, ठीक है। तो बस क्या है कि थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन पढ़ना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये रखा, अब हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी के लिए मतलब थ्योरम के हिसाब से ए सेटिस्फाई करेगा, तो हमने रख के देख लिया ए स्क्वायर ए इंटू ए माइनस फाइव टाइम्स ए प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल फाइनली आनी चाहिए, ठीक है, फाइनल आंसर जीरो आना चाहिए, तो ये आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं मेन क्या है कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में है, पर ज़्यादा ये नहीं कि हर चीज़ पे एकदम सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात आई ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हुए, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड केले मेटन थ्योरम। अब बात आई कि जो हमने सीखा तो इसका एप्लीकेशन क्या है और हमने क्यों पढ़ा। हाँ, तो पूरा पूरा एप्लीकेशन है, उसी लिए हमने इसको पढ़ा भी। तो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट बेनिफिट जो मैं बोलूँगा वो है कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, ए सेकेंड टाइम इन्वर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है इन्वर्स निकालने का, ट्रेडिशनल तरीका होता है एडजॉइंट निकालो, ठीक है, और डिटरमिनेंट की वैल्यू से उसको डिवाइड, मतलब डिटरमिनेंट रेसिप्रोकल में होता है, उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं, उसको ट्रांसपोज करना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर वही काम आसानी से हो जाए, ठीक है, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो मैट्रिक्स कोई अगर आपने कहा ठीक है मैं 3x3 या 2x2 के लिए तो मैं निकाल लूँगा आसानी से, पर अगर बात करें 4x4 की, 5x5 के इनवर्स को निकालने में दिक्कत होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा काम है यहाँ पे, हमको इन्वर्स निकालना है एक बड़ी मैट्रिक्स का या किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, सपोज करते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया था हम उसी का इन्वर्स निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकालते हैं। तो हमारे पास जब ये इक्वेशन आई है, सबसे मेन इक्वेशन यही ये काम की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसमें हमने लैम्डा की जगह ए को रख दिया है केली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से, क्योंकि उसी ने कहा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, बार बार चीज़ें रिपीट करेंगे तो अच्छे से आएंगी। हमने क्या किया कि इस मैट्रिक इस उसमें हमने ए माइनस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर फाइव ए इनवर्स प्लस इंटू ए प्लस सिक्स ए इनवर्स, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया ए फाइव ए इनवर्स ए हमारा क्या बन गया सीधे आई प्लस सिक्स ए इनवर्स, ए इनवर्स को हमने इधर रखा, सब कुछ इधर भेज दिया, तो हमारा एक सिंपल ए के टर्म्स में हमारा आ गया। अब हमको कुछ सॉल्व नहीं करना, सिंपल हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है, फाइव आई हमको माइनस ए और फिर बाद में सिक्स से डिवाइड कर देना, जो कि बड़ी चीज़ नहीं है, तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए, ठीक है, ये तो पहला था ए, अगर आपको ए की सेकेंड इनवर्स निकालना है, ठीक है, ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यूब निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो ये सब चीज़ इससे हो सकती है। ठीक है, पहला हमारा बेनिफिट ये है, दूसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहला इनवर्स वाला ही है, अब आते हैं सेकंड बेनिफिट की तरफ। अगर हमको निकालना है ए क्यूब ए की पावर फोर, ठीक है, ए स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए, ये मैंने क्यों लिखा इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, हमें सिंपल सबसेक्शन एंड एडिशन ही करना होता है, हमको और कुछ नहीं करना, ठीक है, इनवर्स निकालना मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, तो हमको क्या करना है, हमारा फाइनल गोल क्या है कि ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर सबको हमको ए के टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो वो करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर तो हमारे पास था ही, तो हमने क्या किया ए स्क्वायर को इधर रहने दिया, ओके, ए स्क्वायर को हमने इधर रहने दिया और बाकी सबको हम उधर ले गए, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव ए माइनस सिक्स, तो हमको पहली चीज पता चल गई ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हमको ए क्यूब निकालना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, हम इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है,
तो ए से मल्टीप्लाई किया क्यों, तो आया ए क्यूब माइनस 5a² + 6 है इसका 0। और हमको ए क्यूब तो निकालना है, ए क्यूब को छोड़ के बाकी सबको उधर कर देंगे, और हमको ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुकी थी 5a - 6, हमने 5 × 5a - 6 + 6 = 0 हमने ये सब रखा, और ए क्यूब माइनस 25a + 30 + 6। तो ए क्यूब के अलावा सब कुछ उधर भेज दिया। वो क्या है, सबसे मेन बात क्या होती है ना कि ओनली इन टर्म्स ऑफ ए। अब मैंने ये क्यों लिखा है, अगर आप देखें, अगर आपको ए क्यूब कभी भी सॉल्व करना होता तो अब ए को ए से मल्टीप्लाई करते आपको 1 × 1 या 1 + 1 बोले 2 times आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए मैट्रिक्स में 19 मल्टीप्लाई करना है एंड 30 उससे माइनस कर देना है। ओके, तो इतना सिंपल है। अगर आपको ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए की पावर 4 निकालनी है, तो हमने देखो इसी में 4 से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स में, तो आपका ए 4 बना माइनस 5a³ बना प्लस 6a² बना। देखो ये मैंने एरो लिखे हैं, मतलब ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से पता है। ए स्क्वायर ये है नंबर 1, ए क्यूब ये है नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, ए क्यूब और ए स्क्वायर की जगह आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपका ए की पावर 4 भी आपके टर्म्स में, मतलब ए के टर्म्स में ही आ जाएगा, ठीक है। तो समरी की बात कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा है। ए माइनस लैम्डा आई एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे लैम्डा इक्वल टू मान लो 2, 3 समथिंग, ठीक है, ये हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और लेटेंट रूट्स भी इनको बोलते हैं, ये हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दूसरी चीज क्या सीखी कि ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, इस हर एक लैम्डा वैल्यू के लिए एक एक्स करस्पॉन्ड करेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक एक्स क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, इसी को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। तीसरी चीज क्या थी, केली हैमिल्टन थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये, तो हम इसमें लैम्डा की जगह ए को पुट कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा केली हैमिल्टन थ्योरम कहता है, तो हमने ए को पुट कर दिया, ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसके दो केसेस थे, दो हेल्पफुल केसेस थे इसके, कि अगर आपको ए इनवर्स, ए माइनस 2, ए माइनस 3 कुछ भी निकालना है, और ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ये सब आपको निकालना है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस इक्वेशन में अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए इनवर्स इसको टू 0, ये आपका बन जाएगा ए, ये आपका बन जाएगा माइनस 5i + 6a². अब आप क्या करेंगे, आपको जो निकालना है आपको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो ये आपका 5 - a / 6। आई तो सिंपल होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करो या नहीं, तो सिर्फ ए के टर्म्स में हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या फ़ायदा है केली हैमिल्टन थ्योरम से, कि हम ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम शॉर्ट में बोलें इन टर्म्स ऑफ ए, हम हर चीज़ सिर्फ ए के टर्म्स में निकाल सकते हैं, हम सिंपल सब्सट्रैक्शन या एडिशन की मदद से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जिसमें बहुत कम टाइम और मेहनत लगेगी, ठीक है। लॉजिकली समझते हैं, तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं और हमको ये करना है, तो हम इसमें इसी इक्वेशन में हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए क्यूब माइनस 5a² + 6a = 0। अच्छा, ए स्क्वायर तो यहीं से निकल गया, ये कितना निकला 5a - 6, ए के टर्म्स में, हम इस ए स्क्वायर में यही वैल्यू रखते हैं, तो ए क्यूब सब कुछ उधर चला जाएगा, तो सब कुछ ए के टर्म्स में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी यहाँ तक की समरी। अब जल्दी से एक दो कॉन्सेप्ट और बचे, वो भी समझ लेते हैं। शॉर्टकट टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर 2 जो पार्ट ए है ये, और ऑर्डर 3 जो पार्ट बी है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्टकट में फाइंड करनी है जल्दी से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, ठीक है, कोई कोएफिशिएंट प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो हम ये चीज़ याद रखेंगे, हम साइन याद रखेंगे, हमारा माइनस प्लस, हमारा इस ऑर्डर में चलेगा हमेशा, माइनस पहले फिर प्लस फिर माइनस फिर जितने ऑर्डर की होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो बस हमको रटना नहीं है कि माइनस प्लस,
एक ऑर्डर याद कर लेना, पहले माइनस फिर प्लस। पहला आपको क्वेश्चन S1 जो क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है। एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है, ट्रेस क्या होता है वो भी आपको पता है, सम ऑफ डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट का सम है 5, तो हमने यहाँ पे रख दिया 5। ये हम बार बार यही एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमको पता है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो 4 -2, तो 4 + 2 6, तो आपने 6 लिया, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, λ² - 5, λ + 6, ठीक है। अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। हमने क्या 2x2 ऊपर देख लिया, ये हमारा एग्जाम्पल बी, ठीक है। तो λ³, फिर मैंने क्या बताया था, ऑर्डर माइनस प्लस, बस इतना याद रखना है, फिर माइनस और फिर प्लस, ये अपने आप बनता जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, λ³ माइनस इस बार λ² माइनस, S2λ हमारा प्लस, S3 माइनस। ये मैंने हाईलाइट करके भी दिखाया साइन, क्योंकि इसमें कभी भी गलती नहीं करनी है, मार्क्स लूज नहीं करने, कंफ्यूजन नहीं करना है। और 3x3 मैट्रिक्स, तो λ³ - S1λ² + S2λ - S3 = 0। अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन करते हैं, ये 2x2 का है, वहाँ पे हमारे दो वैल्यू होती थी S1 एंड S2, वहाँ पे हमारी ये जो बीच की वैल्यू है ये नहीं होती थी, ठीक है, बीच की वैल्यू नहीं होती थी। S1 जो हमारी सबसे पहली वैल्यू होती थी वो होती थी ट्रेस ऑफ ए, वो यहाँ पे भी ट्रेस ऑफ ए है, ठीक है। हमें अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, S3 है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो भी हमको पता है। नई चीज एक आनी है, सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस, ठीक है, इसको हम लिखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो हमको क्या याद रखना है, माइनस प्लस माइनस, S1 S2 S3, तो सबसे पहला ट्रेस ऑफ ए, सबसे लास्ट हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बीच वाला हमारा सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस। कंपेयर करें तो वहाँ पे हमारा S1 ट्रेस ऑफ ए होता था, S2 हमारा जो होता था वो ये होता था कॉन्स्टेंट, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता था। अब बात करते हैं, अगर हमको मैट्रिक्स सॉल्व करने को मिलती A - λI, ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स है, हमको क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम देखो ये ऊपर वाला तरीका 1 है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग और ट्रेडिशनल मेथड। अब आप खुद से देख सकते हैं कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड की मदद से जाएंगे तो A - λI = 0, तो ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इससे लिखी जाएगी। तो दिस इंटू दिस, तो ये तो हमारा जस्ट पहला एलिमेंट ही आया है, ये हमारा पहला एलिमेंट हमारा, ठीक है, उसको ही सॉल्व करेंगे अभी, तो फिर बाकी हम लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगी, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत लेंथी मेथड है, हमको वही चीज़ शॉर्ट में करनी है और हमारा आंसर हमको हमें लिख रखा है। तो ये तो पहला तरीका हो गया ट्रेडिशनल, जिसको हमको फॉलो नहीं करना है, हमको अवॉइड करना है, खासकर 3x3 में, 2x2 में तो चलो ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेथड पे, हमने क्या देखा था, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है λ³ - S1λ² ठीक है, S2 ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये हमने देखी S1 S2 S3, ठीक है। चल जल्दी करते हैं, S1 हमारा क्या था ट्रेस, तो हम ट्रेस को देते हैं, ठीक है, ट्रेस हमारा क्या है 2 - 1, तो ट्रेस आया हमारा 1, ठीक है, तो ट्रेस यहाँ पे भी 1, तो वो तो सिंपल कोई करनी है, तो सिर्फ 1 का कोएफिशिएंट है, तो एज इट इज हमें लिखती है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला, हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 2 - 1 * 0, यहाँ लिख लेता हूँ 0 - 5, फिर ये +2 0 - 6 एंड +3 and -4 + 1, तो ये आ गया हमारा -24। मैं यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्ट में, -24 - 12 - 9, तो
ये हमारा सॉल्व होके अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका है 45 जो कि सही है, ठीक है 45। अब बात आती है हमारी एस क्यू की, जो हमारा प्रिंसिपल माइनस डायगनल है, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करके जाना है, हमको समझना भी है कि ये होता क्या है, तो इसको बड़े आराम से यहाँ से समझते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगनल माइनस डायगनल क्या होता है, डायगनल एलिमेंट जो होते हैं उन्हीं का माइनस, उन्हीं डायगनल मेन डायगनल एलिमेंट, मतलब क्या है 2 -1 और 0, तो पर्टिकुलर उनके डायगनल का सम जो होगा वो हमारा एस टू होगा या फिर प्रिंसिपल माइनस डायगनल होगा। तो पहले 2 के क्रॉस, तो 2 के क्रॉस क्या होगा, ये -1 6 2 0, उसको सॉल्व किया तो हमारा आया 12। फिर से मैं इसको हटा के अच्छे से दिखाता हूँ सेकेंड वाला। हमें 1 के क्रॉस निकालना है, तो 1 के क्रॉस जो रो है उसको हमने हटा दिया और हमको हमारा बचा 2 3 1 0, ठीक है। तो 2 3 1 0 इसको सॉल्व कर लिया, -3 आया। और फाइनल में मैं दिखाता हूँ आपको, हमको 0 के क्रॉस निकालना है, तो हमने ये निकाला, इन रो को एलिमिनेट कर दिया, हमारा 2 -2 -2 -1, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, सॉल्व करके लाया -12 -3 -6, तो आपका आया -21। तो आपको तीनों वैल्यूज कहाँ से मिली, ट्रेस से आपको मिली, ठीक है, ट्रेस से आपको मिली S1, डिटर्मिनेंट से आपको मिली S3, ये एंड S, ये आपको S2 मिली प्रिंसिपल माइनस के, प्रिंसिपल माइनस डायगनल से, ठीक है। तो जो डायगनल एलिमेंट है उनका माइनस, तो आपने तीनों माइनस देखिए, माइनस निकालना एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने इंडिविजुअल आपको करके दिखा दिया। अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मैंने बोला था पहले कि वो आएगा ए एम ऑफ एन आइगन वैल्यू, किसी भी आइगन वैल्यू की ए एम क्या होता है, ठीक है। तो वो सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। जी एम में तब भी रिवाइज कर लेते हैं जी एम को, कि एन माइनस आर, एन था हमारा ऑर्डर ऑफ ए, आर था हमारा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो ये तो हमारा जी एम था, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, ए एम जो होता है वो हमारा सिंपल क्या होता है कि आपकी जो भी आइगन वैल्यूज हैं वो कितनी बार रिपीट हुई है। तो एम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आइगन वैल्यूज लिए हमने, ठीक है, 5 आइगन वैल्यूज लिए, 2 2 3 4 -1, तो 2 की जो एम की वैल्यू होगी वो 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, 3 हमारा 1 4 हमारा 1 1 हमारा 1, क्योंकि ये सब एक बार आया है, ठीक है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसको बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 3 3 4 4 1 5 1, ठीक है। ये कितनी, 3 2 5 2 7 7 आइगन वैल्यूज है, ठीक है, आइगन वैल्यूज है। तो 3 हमारा 3 बार है, उसका ए एम 3 है, 4 का 2 है 5 1 होगा 15। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 10 डायगोनलाइजेशन, ठीक है। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो कि मैंने दिखाया, ये मैंने अपर ट्राइंगुलर बना के भी दिखाया, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मैंने लोअर ट्राइंगुलर बनाया है, उसके अलावा 0 एलिमेंट एंड डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो इन किसी भी मैट्रिक्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, इन किसी भी मैट्रिक्स के लिए आपकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो ओनली डायगनल एलिमेंट्स इटसेल्फ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 4 6 उसको मैंने हाईलाइट किया, तो आपका पहला ये क्या है, ये मैट्रिक्स का नंबर है, ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी अपर ट्राइंगुलर है, सेकेंड लोअर ट्राइंगुलर है, तीसरी डायगनल है। फर्स्ट के लिए आपका 1 4 6, सेकेंड के लिए आपका 1 2 3, ये थर्ड के लिए आपका 1 2 3। वो मैंने एग्जाम्पल में जनरली वैल्यू ले ली थी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इट सेल्फ होते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप देखेंगे, चाहे डायगनल हो, डायगनल में तो एलिमेंट ही नहीं बचे, चाहे आपका अपर ट्रैंगुलर हो चाहे लोअर ट्रैंगुलर हो, ठीक है, ट्राइंगल ट्राइंगुलर हो या फिर डायगनल हो, उनके लिए डायगनल एलिमेंट्स इट सेल्फ आपकी आइगन वैल्यू होती है। आइगन वैल्यूज आपके डायगनल एलिमेंट्स इट सेल्फ होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 10 डायगनलाइजेशन, और इसको मैं खत्म करते हैं। और अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए,
या इसी तरीके का, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।